जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो लकड़हारे ने कहा कि गंगा जी के बारे में कुछ जानती है तू? ये कैसे आई, क्यों आई, कौन इसको लाया? हमारे समाज में हिंदू धर्म में गंगा जी का बड़ा महत्व है। नवली और महाराज सब कुछ जानती हो तो अपने पति को क्या भी बताती हो? नहीं महाराज, हैं अब भी साधु हैं ठिकाने के दगे कर्मकांडी ब्राह्मण और कनफाड़े बाबा जो योगी हैं, असल में रामगिरी जैसे बहुत कम रह गए। बस ना तो बाबा भी हो रहे रात ने मच्छी पकड़े दिन में टेसना फसाओ है। धर्म कर्म पर दादा नहीं हो गए, धर्म कर्म पर जमी मूर्ति थोड़ी है पाउन लगी, गृहस्थी भी नहीं हुए है, गृहस्थी भी धर्म कर्म पर थोड़ी है जम रहे सारे और डालगा हो गया सौदा। ओ ब्रह्म रूप भगवान चरण से निकली गंगे राजा सगड़ के 60,000 बेटे लंबी चौड़ी फौज घमंड हो गया। उसने एक श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया, उस पे तांबे के अक्षरों से लिख दिया, भाई जब किसी की ताकत हो तो घोड़े का हाथ लाके दिखा दो, देख लेंगे। घोड़ा तीनों लोकों में घूम आया, ये भाई खगड़ के कौन हाथ लावे? वो जमाना तो दूसरा था, 50 साल पहले भी किसी का 10 छोरे हो जाने को देवाई मांगेगा 10 लाठी होगी। यो सौदा था, किसी ने नहीं छेड़ा तो इंद्र महाराज ने क्या किया, उस घोड़े को पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध आया और वो बेटे वो फौज वहां से गुजरी। उन्हें देखा भाई ऋषि में इतनी ताकत होगी, हमारा घोड़ा बांध लिया। ऋषि भक्ति में लौलीन थे, कड़म लात मार दी, क्या अनर्थ हो गया भला। ओ ये सूर्यवंशी सूर्यवंशी राजा सगड़ होए जिसके पेटे 60,000 अश्वमेघ यज्ञ किया राजा ने, जिसमें जुड़ी क्या सब संसार। श्याम करने घोड़ा छोटा रे तांबे के दिए अक्षर दार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के बार, घोड़ा पकड़ा इंद्र ने जा बांधा कपिल मुनि के बार, घोड़ा बंधा घोड़ा बंधा देख लड़का ने बीमार ऋषि कला।
सोमवीर काला और कृष्ण हजारों हजारों रुपए पहले दिए और सौ सौ रुपए और भाई जीओ का बड़ा बड़ा धन्यवाद। जब ऋषि की कमर में लात लागी क्रोध से नेत्र खोल ले जिस तरफ लखा ले जिस चीज ने देख ले वाहे जलकर आंख हो जा सब कुछ भस्म हो गया। तीन दिन हो गए वापिस कुछ नहीं आया। राजा सगड़ का पोता अंशुमान वो चलता है तो बताया गया उसको लगे भाई तो भी भस्म हो जाएगा कि जा क्या करूं अक नंगे पैर जा सिर पर अंगोछा ढक के मुंह में घास लेके नहीं तो तू भी जुड़ जाएगा। वो लड़का वहां गया लाशों का ढेर लग गया तो लड़का रोने लग जाता है। हे भगवान हिंदू धर्म के अनुसार तो इनका क्रियाक्रम बिना हो इनकी मुक्ति बिना हो इनको मोक्ष कैसे मिलेगा। जब गरुड़ ने भेद बताया इंसान मरता है आज भी गरुड़ बांचे जाते हैं अग भाई इनकी मुक्ति होगी गंगा जी आने से। वो कैसे आवे अग भक्ति में शक्ति होती है। उसी दिन से वो लड़का गंगा जी की भक्ति करने लग जाता है। कैसे बोला ओए फेर ऋषि की खुली जब सबका ढेर बनाया था अंशुमान सगड़ का पोता कुल बाटो हने आया था सच्चा था उजड़े देख के दिल मुक्ति को चाया था गंगा जी से मुक्ति हो लूं भेद गरुड़ ने लाया था गंगा जी से मुक्ति हो वेद गुरु ने लाया था। ओ अंशुमान अंशुमान तपस्वी हो गया जब सुनी गरुड़ की बात किया भगवान चकली गरुड़ बात पिया ताड़े धोड़े दल पीड़े से सुध हो जाया पिया भाई सतवीर बम्बेवा से हेलो काफी पैसे पहले 200 रुपए और भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बताते हैं चार पीढ़ी तक तपस्या की खड़े तपे पांचवी पीढ़ी में भागीरथ ने जन्म लिया घोर तपस्या की तो भगवान ने कहा कि गंगा मैया ईब आपने जाना पड़ेगा नवली 900 मील की लंबाई इतने भारे सौदे ने कौन ओट ले और मैं वहां जाके अपवित्र हो जाएंगे। बताते हैं कि कैलाश पर्वत पे भोला भंडारी बैठा था नो बोला भाई ओटन की बात है दम ओटांगे उस कर मंडल में उस तुम्बे में ओट गया और बहुत दिना ताई लटा में केस में राखी केस से गंगा निकलती और शिवजी ने वरदान दे दिया जाओ कोई भी उगावे गंगा का जल अपवित्र नहीं होगा। आजकल तो डिस्ट्री वाटर भी चल रही है वो खराब हो जाए लेकिन गंगा जल कई साल धरा रहो वो न्यूगा न्यू रहता है। शिव जी ने वरदान दे दिया उस तुम्बे में उठ के क्या कहा
चार पीढ़ी चार पीढ़ी तक करी तपस्या फिर पीढ़ी पंचम आई भागीरथ ने जन्म लिया जिसने भक्ति मलो लाई मेरे तलोक में जाइए गंगे न्यू विष्णु ने फरमाई मेरे तलोक में कौन उठ ले न्यू बोली गंगे माई ओ मेरे तलोक में कौन उठ ले न्यू बोली गंगे माई ओ ये शीश झुका ओ शीस झुका तुम बेम उठ गया वो चर लोकी का नाथ किया ओ निकली गंगे हाथ पिया नारे भोरे दल पीने से शुद्ध हो जाते रात पिया प्रकार गंगा जी आई हेलो और तन पछे लोग कहने लगे भाई तू गंगा जी कैसे जाया करता दो संगी ऐसे थे जिन्होंने गंगा स्नान को नहीं छोड़ा पंडित मांगेराम और दनपत उसने अपना रास्ता बताया लोग ज्यादातर बैलगाड़ी से ऊंट रेड़ी से जाया करते रेल भी चाल पड़ी थी जब बस भी चले थी लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बलद गाड़ियां में जा करते राय साहब निंदाने के थे निंदाने तो बस पकड़ के ये सुनारियां जेल इस गांव का सुनारी अब सुनारियां कहने लग गए यहां उनके गुरु थे जम्वा मीर बोला भाई मारे नाम की तो गंगा जी सुनारियां एम्बो है वहां से आठ कोस पे बेरियाली देवी माई का मंदिर देवी का बड़ा भगत था राय साहब जी आई इतने फरी शांग करे उड़े धोक मार कर बेरी से बस पकड़ के बड्डे स्टेशन पे ये जो दिल्ली का पुराना स्टेशन है इसको पुराने आदमी आज भी बड्डा स्टेशन कहते हैं दिल्ली का उड़े तो रेल पकड़ कर गढ़ के स्टेशन पे उतरिया करता यो राय साहब ने अपना रास्ता बताया कैसे बोला हम बैठा मोटर लाई में रोहतक से दो कोस पर गुड़ गंगा बह सुनारी में आठ कोस पे पवन मात का जुरे ती मदद हमारी में दिल्ली तक मोटर और आगे रेल सवारी में दिल्ली तक मोटर और आगे रेल सवारी में मैं तकड़ गंगा